हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टेक बिल। मैं हूं आपका दोस्त एंड दोस्त टेक्निकल शशांक। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हाउ टू यूज म्यूजिक और हाउ टू डू डायलॉग्स इन म्यूजिकली। क्योंकि म्यूजिकली में आपको डायलॉग्स नहीं मिल रहे होंगे या बहुत से आपको परेशानी हो रही होगी ढूंढने में, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि कमेंट्स में बहुत से लोगों ने पूछा कि हमें म्यूजिकली में डायलॉग्स नहीं मिल रहे, उसको हम कहाँ मिले, उसके हम म्यूजिक्स कहाँ से ढूंढें। तो उसके लिए मैं आपके लिए एकदम सिंपल सा सोल्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने म्यूजिकली में जाइए और म्यूजिकली ओपन करने के बाद मैं आपके सामने बहुत सारे फीचर्स लिस्ट और सारी चीज़ें दिखेंगी। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ पे सर्च करने के लिए जाते हैं, जब आप इसमें नीचे आप देखेंगे सबसे नीचे आइकन में सर्च करने जाएंगे, सर्च में जब अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपसे पूछेगा पीपल टैग्स एंड साउंड। तो साउंड्स में आप जाएंगे और साउंड्स में जाने के बाद में अगर आप लिखते हैं बॉलीवुड्स डायलॉग, सपोज आप ऐसे करके यहाँ पे ढूंढते हैं, तो भी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। या आपको नो साउंड फाउंड करके आपको यहाँ पे शो करेगा। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि आपको ये साउंड्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी क्या है, यूके की साइट है और यहाँ पे जितने भी म्यूज़िक डले हैं वो ज़्यादातर सारे फॉरेन म्यूज़िक डले हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके लिए आपको क्या करना है, वो मैं आपको यहाँ पे सिंपल सॉल्यूशन यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि अभी जितने भी म्यूज़िक के डायलॉग हैं, अगर आप दो तरीके से मैं आपको बांटता हूँ, अगर आप एक प्रोफेशनल म्यूज़िकली मेकर हैं, सपोज आप एक बिल्कुल आपने इस चीज़ पे प्रोफेशनली काम करना चाहते हैं म्यूज़िकली में, तो आपको एक लंबी प्रक्रिया है। बट सपोज़ अगर आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करना चाहते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, सिंपली म्यूज़िक बस चाहिए आपको और वीडियो बनाना है, तो उसके लिए मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। आप सिंपली जाइए और सर्च करिए दिशा मदान का नाम। अगर आप जानते हैं दिशा मदान जो है सबसे बेस्ट अभी तक की, सबसे पॉपुलर म्यूजिकली में, जो सबसे पॉपुलर पर्सनैलिटी है अभी इंडिया में, सेलिब्रिटी है, तो उसका आप यहाँ पर ढूंढिए दिशा। जैसे ही आप दिशा मदान आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर सर्च आइकन में सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो दिशा मदान जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको पीपल में जो है कि दिशा मदान दिख जाएगी सर्च में जाके। ये मैंने दिशा लिखा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके आजू बाजू में डायमंड बने हुए हैं, येलो कलर की टी शर्ट पे इसका आइकन है। आइकन चेंज भी हो सकता है, नाम है दिशा मदान, इन पे आप क्लिक करिए। इसके बाद में जो है इसके जितने भी वीडियोस हैं उन पे आप एक एक करके क्लिक दे करिए और जो भी आपको पसंद आ रहा है इसमें से, ये मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, लॉन्ग कट तो इसका अलग है। प्रोफेशनल अगर आप मेक करना चाहते हैं, सपोज इसमें से हम कोई भी एक वीडियो उठा लेते हैं और उस वीडियो को उठा के हम चेक करते हैं। जैसे सपोज एक ये वीडियो है, तो इस वीडियो में ये जो म्यूजिक है, कह दूं तो मैं यहाँ चुप रहूँ, ये अगर आप सपोज इस म्यूजिक पे बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे कॉर्नर में आप देखिए यहाँ पे राउंड हो रहा है, एक आइकन यहाँ पे घूम रहा है, उस आइकन को आपको क्लिक करना है और उसमें क्या है, ये जो म्यूजिक है वो म्यूजिक यहाँ पे आपको दिख जाए। देखिए बॉलीवुड इंडिया नाम से ये टैग है और इस नाम से ये म्यूजिक यहाँ पर है। इसके ऊपर में इतने वीडियोस यहाँ पे नीचे बन चुके हैं। अब इसी पे आप भी वीडियो बनाना चाहते हैं तो पोस्ट वीडियो पे आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए और शूट नाउ या फ्रॉम लाइब्रेरी, आप जैसे भी करना चाहते हैं, शूट नाउ अगर सपोज करते हैं तो वो आपका कैमरा डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर देगा और आप डायरेक्ट जो है अपने कैमरे से यहाँ पे वीडियो प्ले करके, यहाँ से जैसे आप म्यूजिकली में बनाते हैं वैसे ही आप यहाँ से जैसे ही बना देंगे। तो इसमें आप प्ले जो भी कर रहे हैं और इसके बाद में वीडियो बनाएंगे तो इसमें वही म्यूजिक आ गई है जो म्यूजिक दिशा मदान की डली थी। तो इस तरह से आप सपोज कोई भी ट्रैक ढूंढते हैं और आपको लगता है कि वो ट्रैक आपको नहीं मिल रहा है कहीं पे, आपको सर्च करने में वो म्यूजिक नहीं मिल रहा है, तो मैं तो आपको सबसे पहले यही शॉर्टकट दूंगा कि आप दिशा मदान में जाइए। इनके पास जितने भी डायलॉग्स हैं उनमें आपको करना सिंपल तरीका है कि उस पर आप पहले क्लिक कीजिए वीडियो पे और राइट राइट हैंड साइड में डाउन कॉर्नर में एक आपका आइकन गोल घूमता रहता है, एक्चुअली वो साउंड का आइकन है, उस आइकन पे आप क्लिक करिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया वीडियो बनाने का तरीका, वैसे आप इसमें वीडियो बना सकते हैं।
अब सपोज आप प्रोफेशनल हैं और आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो मेरे को ट्रैक्स जो हैं दिशा मदान से भी नहीं मिल रहे हैं और अन्य व्यक्ति से भी नहीं मिल रहे हैं, कोई बड़ी पॉपुलर सेलिब्रिटी उससे भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करें? उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको ये करना होगा, सबसे पहले तो आप जो है कि वो ट्रैक ढूंढ लीजिए, कौन सा ट्रैक है, कौन सा डायलॉग है। अगर सपोज वो डब स्मैश में मिलता है तो आप डब स्मैश में देख लीजिए, अगर आपको कहीं और वो डायलॉग मिल रहा है तो आप वहां से ढूंढ लीजिए। ये प्रोफेशनल के लिए बता रहा हूँ, जो प्रोफेशनली म्यूजिकली प्रो बनाना चाहते हैं। तो आप सपोज आपको यहाँ पे कोई ट्रैक मिल रहा है तो उसको यहाँ से आप देख लीजिए, उस ट्रैक को जैसे भी हो सके डाउनलोड कर लीजिए, या शेयर करने के हिसाब से आप उसको यहाँ से। तो यहाँ से आप कोई भी ट्रैक जो है ढूंढिए, उसको ढूंढ के आप या चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और सपोज वो ट्रैक आपने यहाँ से सुन लिया, इसके बाद में आप जाइए अपने ब्राउजर में, और ब्राउजर में जाने के बाद में आप उस ट्रैक को ऑनलाइन यूट्यूब में या आप कोई भी जगह, आप सपोज दूसरी जगह ढूंढ लीजिए, गूगल में ढूंढ लीजिए, गूगल में ढूंढने के बाद में उसको डाउनलोड कर लीजिए MP3 में। और जैसे ही आप वहां से उसको डाउनलोड करते हैं, सपोज ये बादशाह हो डायलॉग, बादशाह हो डायलॉग नाम से आप ऐसे ढूंढिए, और इसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे कुछ साइट्स हैं जो डायलॉग्स देती हैं, और यहाँ पे ऐसे ढूंढिए कि .MP3, तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसको यहाँ पे सर्च करिए, और सर्च करने के बाद में डायलॉग रिंगटोन्स, यहाँ इस तरह से आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ डायलॉग यहाँ पे मिलेगी, और जिनको आप प्ले कर करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी साइट्स हैं और उनमें से आप देख सकते हैं, प्ले करके उनको आप चेक कर सकते हैं। बादशाह हो पहले करो फिर डरो, इस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग फाइल्स हैं। और जैसे सपोज आपने वो डाउनलोड कर ली है, डाउनलोड करने के बाद में आप जब म्यूजिकली में जाएंगे, म्यूजिकली में जाने के बाद में आपको वो डायलॉग जो है वहाँ से, पहले तो क्योंकि डायलॉग अगर लंबा होता है और आपको उसमें से शॉर्ट बताना है, शॉर्ट बनाना है, तो शॉर्ट डायलॉग करने के लिए आपको एक ऐप आता है MP3 कटर। MP3 कटर आप डाउनलोड कर लीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ पहले कैसे MP3 कटर को यूज़ करें, तो आप हमारी चैनल में देख सकते हैं, टेक विला के अंदर में आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो उसके अंदर आप यहाँ से म्यूज़िक को ब्राउज करिए, और ब्राउज करने के बाद में जो है ट्रैक्स को एडिट करके यहाँ से आप रिंगटोन बना लीजिए, डायलॉग बना लीजिए। तो इसके बाद में डायलॉग जब आप बना लेते हैं, उसके बाद आपको फिर वापस म्यूजिकली में जाना है। ये प्रोफेशनल तरीका बता रहा हूँ, अगर सपोज आपको प्रोफेशनली नहीं, आप मेकर हो और आप अनप्रोफेशनल भी हो, लेकिन आप सपोज ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते ढूंढने में, तो आप सिर्फ यही करिए कि सीधे ट्रैक जो जिसने अगर किसी ने वीडियो बनाया है उसका ही जो मैंने तरीका बताया कि राइट हैंड साइड में उस आइकन को क्लिक करिए, डाउन में जो घूमता रहता है, उस सॉन्ग के ट्रैक को क्लिक करिए और उस पर मेक वीडियो करके सीधे वीडियो बना लीजिए। अभी आप म्यूजिकली में आ गए, और यहाँ पे आने के बाद में जो प्लस बटन है बीच में उस पर सीधे क्लिक करिए, और उसके बाद में उस पर प्लस पे करके पिक म्यूजिक पे क्लिक करिए, और जैसे ही आप पिक म्यूजिक करेंगे तो जो सॉन्ग आपने अभी कट किया था, एडिट किया था डाउनलोड करने के बाद में, उसको यहाँ से आप अपलोड कर लीजिए। माय सॉन्ग्स में जाइए, ऑनलाइन लाइब्रेरी है और माय सॉन्ग्स है, तो आपको माय सॉन्ग्स क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आपने वीडियो वहाँ से डाउनलोड किया था, और डाउनलोड करने के बाद म्यूजिक आपने एडिट किया था MP3 कटर से, उसको यहाँ से आप उठा लीजिए। सपोज मैं एक ये छोटा सा यहाँ से, उसको आप यहाँ से प्ले करके भी देख सकते हैं। सपोज ये एक ट्रैक मैं यहाँ से उठाता हूँ, थंडर। अब ये ऑलरेडी मैं एक ट्रैक उठा चुका हूँ, और ये स्लैप का एक बहुत छोटा सा ट्रैक है जो कि मैंने एडिट किया था, और ये मैं जैसे ही प्ले करता हूँ ये जो है मेरा बन गया, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये वीडियो रेडी हो गया है। और जैसे ही आप बनाते हैं उस वीडियो को, वैसे ही आप उसको उसके बाद में आप पोस्ट कर सकते हैं। वो तरीका आपको मालूम होगा कि कैसे पोस्ट करना है उस वीडियो को, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने आप वीडियो बनाइए, और
अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है म्यूजिकली में, आप फॉलो कर सकते हैं, मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं मैं कैसे बनाता हूँ डुएट्स वगैरह। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि पूछिए हमसे, जो भी कन्फ्यूज़न होगा उसको हम आंसर देंगे, कोशिश करेंगे सॉल्व हो सके। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए टेकबिला में। अगर आपने अभी तक हमारी चैनल टेकबिला को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें, ताकि आने वाले सारे टेक्निकल वीडियो आप हमारे चैनल में देख सकें। थैंक यू दोस्तों, बने रहिए, स्टे रॉक।